गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग सही होंगे। दोस्तों अभी हम राइट नाउ है आनंद में। अभी देखो ब्लैक हो गया है थोड़ा, अभी हम थोड़ा सा व्हाइट हो जाते हैं क्योंकि आपको भी देखने में मजा आ जाए। आज आपके साथ आनंद के अंदर आनंद आश्रम में, और आज यहाँ पे ब्लॉग की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। आपको जो भी पार्ट अच्छा लगे तो अंत तक देखना, आज बहुत ही मजा आने वाला है। और आनंद के अंदर दिवाली की तैयारियाँ बहुत तेजी से अभी चल रही है, तो उसका जो भी कुछ मैनेजमेंट अभी हमारे धवल भाई और उसकी पूरी टीम जो कर रही है, तो चलिए हमारे मैनेजर साहब को मिलते हैं, डायरेक्ट उसके साथ ही बात करवाते हैं, और यहाँ पे जिस तरह की व्यवस्था है वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। बने रहिए, अंत तक देखिए। हमारे धवल भाई मस्त फ्रेश होके बैठे हैं। गुड मॉर्निंग धवल भाई। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हो? बस फर्स्ट क्लास। कैसे सब लोग? बस एकदम बढ़िया। क्या हालचाल है? बस दिवाली चल रही है, दिवाली सबको मुबारक। ओके। और सब आराम से अपनी दिवाली मनाएंगे घर पे। जी। और हम भी यहाँ पे बस तैयारी में लगे हुए हैं कि इन तो हमारे घर का डेकोरेशन कैसे चल रहा है, लोगों को भी दिखाइए कि आप किस तरह से यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहे हैं। आइए। तो दोस्तों अभी धवल भाई हमें शेल्टर होम की विजिट करवाने वाले हैं। जिस तरह से यहाँ की व्यवस्था है, सभी प्रभु जी यहाँ पे किस तरह से रहते हैं, हमारा जॉय भी बहुत ज़्यादा मुझे मिस करता था, तो चलो उसके भी साथ भी आपके साथ मुलाकात करवाता हूँ। चलिए तो हम गेट से शुरुआत करते हैं, सभी रूम को भी दिखाते हैं, बने रहिए। अभी देख सकते हो यहाँ पे पूरी लाइटिंग लगाई हुई है जो रात को चालू होगी, जो आपको दिखाई भी जाएगी। अभी रात का फुटेज हमने लिया है ना धवल भाई? रात का फुटेज लिया हुआ है, वो भी आ जाएगा। आइए अंदर, अभी आराम से दिखाओ ना एक एक लाइट किस तरह से। पूरा ऊपर से देखिए आप, ऊपर से सीरीज लगी हुई है। अच्छा, वो दिख रही है नजदीक से, कैमरा में नहीं दिख रही है। दोस्तों इस तरह से सीरीज आप दिखाने की आपकी जवाबदारी है। अच्छा, मेरी हो। तो फिर ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? ऐसी करीबन 25 सीरीज लगी हुई है पूरी लाइन में, ताकि पूरा शेल्टर में दिवाली का माहौल लगे। माहौल बनाने के लिए लगाई है? हाँ जी, माहौल दिवाली है इसलिए बनाती है। नहीं, माहौल बनाने के लिए, ताकि प्रभु जी को लगे कि यहाँ पे दिवाली मन रही है। पूरा लाइटिंग होगी, लगता है दिवाली का माहौल है। अच्छा, तो प्रभु जी सब बाहर आएंगे, फटाके जलाएंगे, तो उस दिन भी आपको देखने मिलेगा। जी बिल्कुल। आपको दोस्तों ये है लाइट, अभी आप अंदर चलिए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए झाड़ है यहाँ पे, उस पर भी लाइटिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। अरे वाह। तो दोस्तों हमारे धवल भाई ने इसमें भी लाइटिंग की है। इसको पेड़ कहते हैं, झाड़ नहीं कहते, इसको हिंदी में पेड़ कहते हैं। धवल भाई वैसे अनपढ़ है थोड़े। तो दोस्तों यहाँ से आप अभी आप देखिए यहाँ पे, यहीं से भी ये सूर्य प्रकाश से लाइट होती है जो गार्डन को बहुत ही सुंदरमय बना देती है रात के टाइम पे। तो ये आप देख सकते हो, मैंने रात को देखा था, वैसे मैं जो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि अभी रात में कैसे प्रकाश आ रहे हैं, तो फिर मुझे पता चला कि इसमें सोलर फिट किया गया है। ये देखिए आप, यहाँ पे ये पूरी सोलर लाइट है, रात को ऑटोमेटिक जल जाएगी और रात में ऑटोमेटिक वो अपना काम करने लगेगी। इस तरह से हमारे धवल भाई ने सब मैनेज किया है। यहाँ पे भी सीरीज लगी हुई है। अरे वाह दोस्तों, झूले में भी सीरीज लगाई है, देखिए पूरे धवल भाई ने शेल्टर में सीरीज ही लगा दी है। यहाँ पे पूरा दिवाली का इस तरह से, अभी वो अभी यहाँ पे दिवाली की सफाई चल रही है। वैसे धवल भाई ने अभी बोला, पर मैं आपको नजदीक से बोल रहा हूँ। दिलीप भाई, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? हाल चाल एकदम बढ़िया है, और अभी चल रही है हम लोग की दिवाली की छोटी मोटी सफाई। जैसे आप अपने घरों में सफाई करते हुए हमारे आश्रम में सफाई कर रहे हैं, और साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बोली आप। और दिवाली है तो दिवाली के पर्व में साफ सफाई रखना और अपने आप को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। अरे वाह वाह वाह। ये है हमारे साथ जॉन अंकल, जो केन्या किसी से है, किसी और अभी वो है किसी करो का, किसी केरो का जाम्बो मसूरी साना हमारे यहाँ को मसूर का पिसा। व्हाट आर यू डूइंग? आई एम वर्किंग हियर एज सिक्योरिटी इन योर फाउंडेशन। योर सिक्योरिटी गाइड? या सिक्योरिटी गाइड यार। यू दैट प्लेस इज वेरी ओके? इज वेरी ओके। आई एम अभी आई गॉट ट्रीटमेंट। ओके। एंड आई गॉट योर लाउडली, योर वॉइस इज वेरी लाउडली बिकॉज माई कैमरा इज वेरी कैप्चरिंग स्लो।
I got accommodation, I got a treatment, my treatment is okay, I can walk. We can show the leg. दोस्तों यहाँ पे अंकल को जो आप देख सकते हो उसको बहुत ही गहरा जख्म था, बट अभी ट्रीटमेंट ओके हो चुकी है और जख्म बिल्कुल नाबूद हो चुका है. बट चलिए, लेग इज कैरिंग पर्सन. या लेग इज मच बेटर, मच बेटर. ओके, ये जॉन अंकल जब हम अफ्रीका गए थे तो खास तौर पे जॉन अंकल का परिवार मिल जाए उसकी बहन से भी हम मिले थे, उसका फोटो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप देख सकते हो डिस्प्ले पे. और योर सिस्टर इज वेरी वेरी हैप्पी. आई टॉक टू हर. या टॉक टू यू. या लास्ट टाइम यू. ओके ओके. और जॉन अंकल अभी यहाँ पे सिक्योरिटी की नौकरी कर रहे हैं. बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व है, बहुत ही हम्बल पर्सन है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. राइट नाउ टाइम इज फेस्टिवल टाइम. फेस्टिवल हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली आप सबको भी. फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. हैप्पी दिवाली. तो चलें दोस्तों, अब ये थोड़ा हमारे जॉन अंकल के साथ भी मिलवाना बहुत जरूरी था. भागे बढ़े. लेट्स गो. थैंक यू. थैंक यू. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं. तो दोस्तों अभी मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ हमारे चंचल माँ को, जिसकी उम्र अभी 100 साल से भी अधिक है और वो अभी आराम कर रहे हैं. वैसे तो अभी उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी हुई रहती है क्योंकि शारीरिक रूप से थोड़े उसका बॉडी अच्छी तरह से वर्क नहीं करता है. वैसे तो हेल्दी है. चलिए वो अभी आराम कर रहे हैं तो उसके साथ भी आपकी मुलाकात करवाता हूँ. चलिए मेरे साथ चंचल माँ. प्रणाम. કેમ છે તબિયત તમારી? તબિયત તો પાછું જાય. માથું દુખે છે? હા, દુખારો રહી ઓમ 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 કોળિયો મારે ને એમ થાય છે. ઓમ નાય નહીં એટલે ફરતી રાખવા કાપ. આ નાળ છે ને નાળ. હા. ઓમ નહીં એટલે ફરતી રાખવા નહીં ફરતી. આ ઘા વાગતા હોય એમ વાગે હે. બરોબર. એવી તો સતી નહીં રહેવાતું. ભગવાન બોલાવતા હોય છે. ખબર નહીં આ ભગવાન લઈ જશે ધાતુ. હે? હા. જવું છે? બોલાવશે તો જઈશું. પણ હું એક વર્ષથી કહું છું તમને જવું છે જવું છે, પણ તમે તો ભગવાન તમને બોલાવતા જ નથી લાગતા. ના, તમારો નંબર ભૂલી નથી ગયા ને? પણ આમ ભૂલી જાય. હે? બોર તો મને આવડ્યું કે છે કે છ તો આરામ કરો. હજી આરામ કરો, કાંઈ વાંધો નહીં. અમે તમારી સેવા બરાબર કરીએ છીએ. હા. સેવા બરાબર થાય છે તમારી? હા, સેવા તો થાય છે. બરોબર. કાંઈ તકલીફ છે તમને? બીજી નહીં આવી એ માથું તો માથું બધું વળી નહીં. માથું દુખે છે. દવા પીધી? દવા તો કઈ ખાતી હોય તો કહી નથી પીતા. બરોબર. કચરે આપો માથું? ના. હે? કચરે ના થાય એવું. આ તો અમે ઓમ કોઈનો ગવાયા ને એવી રીતે ઉપાધિ કરતા હશો તમે? કશું ઉપાધિ નહીં કરતી. નહીં, તમે મારું ટેન્શન લેતા હશો. પોપટભાઈ હું કરતા હશો. હે? પોપટભાઈ હવે કુવાદક કહી આવ્યો. હું તમને શું કહું? હા. આશ્રમે આવવાનું છે જે આપણા. આપણે ભાવનગર. ભાવનગર આપણો નવો આશ્રમ બને છે ને? હા, તો પાછું ભાવનગર બનાવવાનું. હા. કેમ? ત્યાં આપણે ભગોડા છે ને મોગલમાનું મંદિર, નાથી 7 કિલોમીટર. કેમ? ત્યાં બહુ મસ્ત વિશાળમાં બને છે. કેમ? તમારે ત્યાં આવવાનું છે ને તમારી હાથે મુહૂર્ત કરીશું અમે. એવું? ત્યાં પછી જજો, ત્યાં સુધી નહીં જતા. આવાશે ને હું લઈ જાય ગાડીને, એમાં આરામથી લઈ જઈશ તમને. સાચું બનાવરાવી દઉં હો ને. ચાલો. તો દોસ્તો અમારા ચંચલ માને છે ને ભજીયા બહુ ગમે છે. એને ગમે ત્યારે હું આવો ને એટલે એને ભજીયા તો જોવે છે, પણ ભજીયા તો દુકાનેથી લાવી એટલું કંઈ ટેસ્ટ હોય ને, એટલા માટે અમે સ્પેશિયલ અહીંયા બનાવતા હોઈએ છીએ. હમણાં બનાવી આવી દો ને માડી હો ને. ચાલો આરામ કરો તમે. હા, હું હમણાં આવું છું પાછું હો ને. જય શ્રી કૃષ્ણ. તો ચલે દોસ્તો, અભી યે હમારા લેડીઝ ડિપાર્ટમેન્ટ કા રૂમ હૈ. યહાં પે સભી હમારી માતાજી યહાં પે રહેતી હૈ ઓર અપના જો ભી દૈનિક ક્રિયા હોતા હૈ વો હર રોજ કમ્પ્લીટ કરતે હૈ. યે દાદી ફિર હમારે વડોદરા સે હમને ચકુબેન કો રેસ્ક્યુ કિયા થા. ચકુબેન. હા ભાઈ. કેમ છો? હા, સારું છું. જસ્તો કર લીધો? હા. જમવાનું? જમવાનું આવશે બહાર. અચ્છા, મજા આવે છે? હા. તબિયત સારી છે ને? હા. અચ્છા અચ્છા. તો દોસ્તો યે જો હમારે ચકુબેન હૈ, જબ હમને પહેલી વાર ઉસકો રેસ્ક્યુ કિયા થા વડોદરા સે,
तब वहाँ के स्थानिक लोग बता रहे थे कि वो एज अ डॉक्टर की डिग्री को प्राप्त किए हुए हैं, बट पारिवारिक स्थिति सही नहीं होने के कारण अभी परिवार में कोई नहीं है, मानसिक रूप से थोड़े बीमार हो चुके थे, बट चले कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे स्टेबल है, अच्छे से रह रहे हैं और बस आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से और आपके सहयोग से सब कुछ यहाँ पे काम मैनेजमेंट हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये जो पूरा शेल्टर होम है, यहाँ पे ज्योति सामाजिक सेवा संस्था और आनंद नगर पालिका द्वारा एज अ सपोर्टर पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन यहाँ पे काम करता है, तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं ज्योति सामाजिक सेवा संस्था का भी और आनंद नगर पालिका का भी कि जिसकी माध्यम से हमें ये सेवा करने का मौका मिल रहा है। बस यही सबसे बड़ी, साथ में मिलकर कुछ बदलाव लाने की परिभाषा है। ये प्रभु जी को हमने भावनागर से रेस्क्यू किया था, बट अभी तक उसका परिवार कोई नहीं मिल रहा है। केम छो, कैसे हो? ठीक। मम्मी के पास जाना है? आपके मम्मी का नाम बताइए ना। हैं? कमला। कमला। कमला बेन। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ पे है आपका घर? करनाल में। हैं? करनाल। करनाल। वो कहाँ पे आया? हरियाणा में। हरियाणा में। अच्छा, अभी हरियाणा से जितने भी लोग देख रहे हैं तो करनाल से हमारे प्रभु जी है कि हमारे अनुज भगवान को घर तक पहुंचाना सबकी जिम्मेदारी है, तो प्लीज़ आप वीडियो को जितना हो सके इतना हरियाणा में शेयर करिए। पिछले 4-5 महीने से तो हमारे साथ यहाँ पे रह रहे हैं, बट चलिए थोड़ी कोशिश करते कि उसका परिवार जल्दी से जल्दी मिल जाए। चलिए, थैंक यू। दोस्तों ये प्रभु जी को हम यहाँ नज़दीकी नडियाद के पास से एक छोटा सा गांव है वहाँ से रेस्क्यू किया था। घर जाना है? क्या नाम है आपका? पापा। 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 अच्छा, पापा का नाम? वो ऐसे ही बोलते हैं वैसे जब से लेके आए थे तब से। पापा। पापा। तो बस दोस्तों, थोड़ी सी केयरिंग से किसी की जिंदगी बदलेगी, वही सबसे बड़ी बात है। तो चलिए अब फाइनली यहाँ पे जिस तरह से सभी लोग रहते हैं तो उसकी खाने की व्यवस्था किस तरह से होती है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे रसोड़ी की व्यवस्था आपके साथ और सहयोग से जो यहाँ पे चलता है, तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे हिना बहन अभी देख सकते हो आप, इसको क्या कहते हैं, आटा को? आटा, रोटली नो आटो, रोटली नो लोड बांधो। रोटली का लोड बांधा है? हाँ। अच्छा अच्छा। और अभी भिंडी की सब्जी? भिंडी नहीं, भिंडा कड़ी है। भिंडा कड़ी? हाँ। को आप बनाने वाले? नहीं, दूसरी बहन है ना, सुधा बहन, वो बनाएगी। अच्छा अच्छा। अभी आप ये लोड को गुल्ला बना रहे हैं? इसका क्या कहते हैं? गुल्ला। गुल्ला। हाँ। आने के बाद गोइना। हाँ। अभी यहाँ पे तो चावल तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे चावल तो रेडी हो गया है, यहाँ पे गुल्ले बनाने के, रोटली की सब तैयारी चल रही है। आपका नाम क्या है बहन? तरुणा। तरुणा। तरुणा बहन, मजा आ रहा है? हाँ। कहाँ से हो आप? वीरपुर। वीरपुर से? हाँ। हो? अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, कंटिन्यू करिए आप। फिर ये सभी यहाँ पे सब रसोई बनती है, ये मैनेजमेंट आप देख सकते हो, ये हमारा फ्रीज है, फिर ये हमारे धवल भाई है, ये हमारे हरीश भाई है। हाय एवरीबॉडी। हेलो। हाय। श्री कृष्ण। अभी चल रहा है हमारे प्रभु जी की सेवा जी, उनको नाला धुलाना, और फिलहाल अभी खाने के बाद उनकी सेवा वापस चालू हो जाती है मेडिसिन के लिए। अभी आप मेडिसिन और उनका सामान देख सकते हैं, जो प्रभु जी को तेल लगा के लेके पाउडर तक के हम लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ। बहुत अच्छी बात है, आप देख सकते हैं पूरा उनका किट पड़ा हुआ है हमारे पास। जी बिल्कुल, ये पूरा किट है उनका, दवा से लेके हर चीज से लेके, पाउडर से लेके, तेल से लेके, और डेली बेस में उनके कपड़े हम लोग चेंज करते हैं, और जैसे उनकी तबीयत विबियत कुछ खराब हो जाती है, डाइजेस्ट हो जाता है, तो खाने पे हम लोग प्रबंध नहीं रखते थे। बहुत अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु जी अभी खुद अपने हाथों से अपने नहा धो रहे, अपनी दवा भी कुछ टाइमिंग पे ले रहे, वो सबसे बड़ी बदलाव की बात है। बदलाव की बात है, उनके समय के हिसाब से बहुत अच्छा उनको बदलाव आ रहा है। जैसे हमारे परमार भाई है, आए थे जब ये इनकी सेवा में, अभी ऐसा है कि खुद अभी झाड़ू लेके अपना रूम भी सब साफ करते हैं और अपना कुछ काम कुछ खुद कर रहे हैं। बहुत अच्छी। जैसे दवाई भी ऐसे लेके हर चीज़ से लेके नाना धोना सब खुद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये आज ये सब सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पोपट भाई चैरिटेबल फाउंडेशन की जो भी कुछ मैनेजमेंट की यहाँ पे जो व्यवस्था की बात है,
बहुत अच्छे से सभी लोग अपना खुद का काम खुद कर रहे हैं, और हमारे दिलीप भाई, धवल भाई और सभी टीम मेंबर बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे अपना काम निभा रहे हैं। बस वही सबसे बड़ी बात होती है कि व्यक्ति में बदलाव हम कैसे ला सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे सभी प्रभु जी को जो डेली इनको 8 से 10 के बीच में हम लोग नहलाते हैं गर्म पानी से, गर्म पानी रोज इनका गर्म पानी रहता है, और शाम को 5 बजे भी हाथ पे धोने के लिए गर्म पानी रहता है। जी बिल्कुल। और आपको सोते समय इनका जो ब्लैंकेट वगैरह है अभी सब लॉन्ड्री में जाते हैं हफ्ते में धोने के लिए। जी बिल्कुल। जो भी कपड़े सब लॉन्ड्री में हमारे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में इनके प्रभु जी के कपड़े धुलाते हैं। बहुत अच्छा। अभी हमारे प्रभु जी उसका काम खुद कर रहे हैं, हमारे चिमन काका है जिससे उनका नाम नवीन भाई है, इनको जब लाए थे जब इनकी हालत बहुत खराब थी, अभी आप उनकी देख सकते हैं उनकी हालत, उसके कपड़े खुद ये हम पावागढ़ के नजीक से लाए थे। जी बिल्कुल, बहुत बुरी हालत थी पिछले 20 साल। इनका वर्कआउट आप देखेंगे तो सुबह से काम ही करते ही अपना रूम का सब काम करते हैं, यहाँ तक प्रभु जी की थाली मिली लेना मिला, आप दोपहर को देख सकते हैं दोपहर को इनका प्रभु जी की पूरी थाली मिली लेना, इनका काम हैंड ओवर कर दिया इनको, तो पूरे प्रभु जी की थाली मिली लाना, उनको खाना खिलाना सब आप दोपहर को आपको देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है। नहा लो जाओ अच्छे से यार। हमारे रमेश काका है, एक आपसे हैंडीकैप है, मतलब प्रभु जी की सेवा में इन्होंने कुछ कसर नहीं छोड़ी है, बहुत अच्छा काम करते हैं प्रभु जी की सेवा के लिए, यहाँ तक कि पानी गर्म रखना एक हाथों से भी, प्रभु जी की सेवा के लिए एक हाथों से भी खड़े हो जाते हैं। नहा लो जाओ। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, और वैसे तो आनंद की जो व्यवस्था है पिछले 2.5 साल से यहाँ पे जो काम जो भी हम अभी वर्क कर रहे हैं, बस आपके साथ सहयोग से सब कुछ कर रहे हैं, और अभी जो सोशल मीडिया आश्रम बन रहा है बस इसके प्रेरणा से ही कुछ बेहतर करने की कोशिश अब वहाँ पे करने वाले। तो चले कोई बात नहीं, आज का ब्लॉग हम यहीं तक एंड करते हैं, और आगे के जो अपडेट जो भी कुछ है हम आगे आपको और भी शेयर करेंगे, बट यहाँ तक का जो भी कुछ पार्ट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, और आनंद शेल्टर होम के लिए एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अमेजिंग है, साफ सुफ से लेके प्रभु जी की टेक केयर से लेके प्रभु जी को सही तरह से किस तरह से बदलाव ला सकते, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, आप अपना ख्याल रखिए, और अभी जय हिंद जय भारत।